आज मैंने हरे लहसुन का पराठा बनाया है जो कि बहुत टेस्टी लगता है और उसका अरोमा तो इतना अच्छा आता है ना। विंटर सीजन में ये पराठा नहीं खाया तो मतलब सच में मतलब खाना ही चाहिए विंटर में ये पराठा। तो चलिए मैं इजीली आपको बताती हूँ कि पराठा कैसे बनाना है। तो यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पहले तो आटा जो है वो अच्छे से गूंथ लेना है। इसमें मैंने कुछ डिफिकल्ट वाला कुछ पार्ट नहीं बताया, एकदम ईजी एकदम बेसिक वाला पराठा बताया है कि कैसे बनाना है। तो ये देखिए आटे को अच्छे से पहले हम मतलब नीट कर लेंगे, अच्छे से गूंथ लेंगे आटे को थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके, और इस तरीके से मिक्स करते जाना है। तो आपका जो डो है वो अच्छे से रेडी हो जाएगा। हल्का हल्का पानी आपको डालना है, ठीक है। और ये देखिए रेडी हो चुका है। तो इस पर थोड़ा तेल अप्लाई करके इसको थोड़ा और नीट कर लेंगे हम, और इसको जो है 10 मिनट के लिए आप कवर करके रख सकते हैं। नहीं करना है तो आप उसी वक्त भी बना सकते हैं, पर कवर करके रेस्ट करने से और अच्छा बनता है और हमारे लिए भी अच्छा होता है। तो ये देखिए इस तरीके से लहसुन जो है वो पहले ही काट ली थी मैंने बारीक बारीक एकदम, और ये पतली लहसुन थी। तो पतली लहसुन में ना और अच्छा बन जाता है पराठा, ना फटता है ना कुछ, और पतला भी बनता है। जिसको पतला चाहिए तो पतला भी बनता है पराठा, बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए अब रेस्ट हो चुका है, तो हम इसको इस तरीके से ना बॉल्स बना लेंगे इसकी सारी की सारी, जितनी भी बनेगी 4-5 आपको ये देखिए सारी बॉल्स बना के। और अब हम क्या करेंगे, चकला बेलन की तरफ चलते हैं। तो ये आटा साइड में रख लेंगे और एक बॉल लेके थोड़ा डस्ट कर लेंगे उसको। इसको डस्ट करने के बाद हम इसको रोल करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमको रोल करना है। अगर आपसे गोल बनता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस तरीके से हम इसको रोल कर लेंगे अच्छे से। इसके ऊपर थोड़ा सा हम तेल डालेंगे और इस तरीके से इसको फैला देंगे, स्प्रेड कर देंगे। फिर इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा मिर्ची डालेंगे। और ये ना आप अलग अलग टाइप अलग अलग शेप्स के भी पराठे बना सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा देखो मैंने नमक डाला है, थोड़ी सी मिर्ची डाली है, ज़्यादा मैंने ऐसे मसाले नहीं डाले। नॉर्मल इंडियन पराठा बनाया है, बहुत ही टेस्टी लगता है यही। और ये देखिए नमक मिर्ची डाल के यहाँ पे मैंने वो जो कटा हुआ लहसुन था ना हरा लहसुन, वो मैं इसमें डाल दूंगी। तो मैंने काफ़ी स्टफिंग में काफ़ी भरा हुआ है इसको, ये देखिए थोड़ा थोड़ा डालते ना तो इतना टेस्ट नहीं आता है। तो इसलिए मैं तो काफ़ी स्टफिंग में भरती हूँ ताकि उसका जो पराठे का टेस्ट है वो थोड़ा लगे तो सही कि हाँ होममेड पराठा है। और ये देखिए इसको इस तरीके से फोल्ड करके और इस तरीके से कर लेना है, फिर से डस्ट करके और इसको अच्छे से बेल लेना है, अच्छे से इसको राउंड इस तरीके से बेल लेना है। और फिर और ये देखिए आपको पूरे जो पराठा है ना उस पर पूरा ये देखो पूरा फिलिंग दिख रही है आपको, तो कितनी अच्छी लगती है। यही तो जब मुँह में आता है तो बहुत टेस्टी लगता है, और ठंड के टाइम पर पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलो पैन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने हाई फ्लेम पे पहले ही चढ़ा के रखा था पैन को, और मतलब तवे को। और ये देखिए पराठा इसके ऊपर रख के और इस तरीके से अच्छे से इसको पका लेना है। और ये देखिए खुरपी लेनी है कुछ भी, और ये देखिए इस तरीके से हमारा जो पराठा है ना वो बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाता है। थोड़ा आप घी लगाइए, तेल लगाइए, बटर लगाइए, बहुत टेस्टी लगता है। और ये देखिए हमारा जो पराठा है वो रेडी हो गया। ऐसे आपने ट्रायंगल शेप का बना सकते हैं, सर्कल शेप का बना सकते हैं, तो अलग अलग शेप्स का बना सकते हैं, पॉकेट शेप का भी बना सकते हैं। पर ये जो है ये हमारा रेगुलर पराठा है, तो मैंने ट्रायंगल वाला भी बनाया था। तो बहुत ही अच्छे से पराठे रेडी हो गए हैं, अच्छे से घी लगाइए। और ये देखिए ये पराठा बनके जो है वो रेडी हो गया है। तो जल्दी से बनाइए खाइए, क्योंकि विंटर है और विंटर में ही ये पराठा अच्छा लगता है हरे लहसुन का, और इसका क्या अरोमा आता है बहुत ही अच्छा। और ये मैंने सबके ऊपर बटर लगा दिया था क्योंकि इससे टेस्ट और अच्छा लगता है। और ये मुझे पापड़ के साथ भी पसंद है, क्योंकि अगर कुछ नहीं है तो पराठा और पापड़ भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आपको जो पसंद है, कर्ड पसंद है, कर्ड के साथ आप खा सकते हैं, दाल के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। नॉर्मल पराठा भी बहुत अच्छा लगता है, घर पे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, और अपना ध्यान रखें, हेल्दी रहें और अच्छा अच्छा खाते पीते रहें। थैंक यू।